बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जॉइन योर हैंड्स एंड से दिस ब्यूटीफुल दुआ रब्बी यस्सिर वला तुस्सिर वतम मिन बिल खैर रब्बी जिदनी इल्मा ओ अल्लाह इंक्रीज माय नॉलेज आमीन स्टूडेंट दिस इज योर मैथ्स क्लास एंड वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज टेन प्लस टेन प्लस एग्जाम्पल्स एंड स्टूडेंट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ़ द यूनियन नंबर टेन द नेम ऑफ़ यूनियन नंबर टेन इज़ प्रैक्टिकल जियोमेट्री और बच्चों जियोमेट्री में साइड्स होती हैं लेंथस होते हैं पॉइंट्स एंगल्स वगैरह तो बच्चों एंगल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहली जो डेफिनेशन है एडजस्टेंड एंगल्स की वो हमारे पास क्या है द वर्ड एडजैस मीन्स नेक्स्ट आर नेबरिंग एंड बाई द एडजैसेंड एंगल वई मीन एंगल नेक्स्ट टू इच अदर टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ तो बच्चों दो एंगल जो बिल्कुल कंजेक्टिव हूँ इकट्ठे हूँ एक दूसरे का नेबर हूँ नेक्स्ट टू ईच अदर हूँ तो उनको एडजस्ट एंगल्स कहते हैं और उसकी कुछ यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन है दे हैव द सेम वर्टेक्स यानी उनका वर्टेक्स उनका एंड पॉइंट जो है दे हैव द सेम वर्टेक्स यानी उनका जो वर्टेक्स है उनका जो एंड पॉइंट है वो दोनों का सेम होना चाहिए दे हैव वन कॉमन आर्म तो बच्चों उनकी जो आर्म है वो कामन होनी चाहिए यानी एक ही जो आर्म है वो दोनों की होनी चाहिए एंड अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स एक्सटेंड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कामन आर्म तो बच्चों यहाँ पे देखें ये हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये किस तरह से है सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों एंगल्स हैं ये भी एंगल है ये भी एंगल है तो दोनों का एंड पॉइंट कामन हो गया ये आर्म दोनों की कमन हो गई और ये अपोजिट जो आर्म्स हैं ये हम एक्सटेंड कर सकते हैं जितना मर्जी हम इसको चाहें तो आपने ये पॉइंट याद रखने हैं कोई दो एंगल कब एडजैसेंट होते हैं नेक्स्ट यूच इधर होते हैं नेबरिंग होते हैं वैन दे हैव द सेम अटैक्स दे हैव वन कॉमन आर्म एंड अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स एक्सटेंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कामन आर्म इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमें क्या कह रहा है टू एंगल्स आर कॉल्ड कम्पलीमेंट्री एंगल्स वैन देयर सम ऑफ़ डिग्री मेयर इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो बचो जब हम किस कोई से भी दो एंगल्स को ऐड कर दें और ऐड होने के बाद उनका सम नाइन्टी डिग्री आ जाए तो वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बेचो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये आपका जो एंगल है डी बी ए डी है ये सिक्सटी डिग्री है और डी ए एस जो है वो थर्टी डिग्री है तो दोनों को ऐड करेंगे तो नाइन्टी डिग्री आ जाएगा ये देखिए बी ए डी सिक्सटी एस ए डी थर्टी और जब हमने इन दोनों को ऐड किया सिक्सटी प्लस थर्टी तो नाइन्टी आंसर आ गया इसलिए कहते हैं दस बी ए डी एंड एंगल ऐसे डी आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स है इसी तरह बच्चों हम सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स वेन देयर सम ऑफ़ डिग्री मेयर इज इक्वल टू वन एटी डिग्री फॉर एक्जाम्पल इन द फिगर तो बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एस ए डी वन ट्वेंटी डिग्री है और बी ए डी सिक्सटी डिग्री है दोनों को ऐड करेंगे तो वन एटी आ जाएगा ये आपको नजर आ रहा है बी ए डी सिक्सटी एस ए डी वन ट्वेंटी एंड वेन वी हैव एड दैम द आंसर विल बी वन एटी डिग्री तो बच्चों कौन से एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि कोई से दो एंगल तीन नहीं बच्चों ये बात जहन में रखें सिर्फ दो एंगल को ऐड करें उनका सम वन एटी डिग्री आए तो सप्लीमेंट्री है और अगर नाइन्टी डिग्री आएगा तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ वन एटी डिग्री हैंड्स दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों जो हमने एक और फॉम पर है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये आपकी डेफिनेशन भी है A pair of angles is said to be vertically opposite if the angle are formed from two intersecting lines and the angle are non-adjacent. Such angles are always equal in measurement, as shown in the figure. तो so, बच्चों ये दो intersecting line आपको नजर आ रही हैं AB और CD और इनके जो angles हैं वो non-adjacent हैं और वो angle जो intersecting line से produce हों वो angle हमारे पास vertically opposite angle होते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है बच्चों एक हमारे पास ये लाइन है इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे ये दो एंगल बने ये नॉन एडजेसेंट है ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इनका मेजर जो है हमेशा सेम होता है जैसे यहाँ पे देखें ए ओ डी और ए सी वन एटी डिग्री बना रहे हैं ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ए ओ डी और ए ओ सी ये दोनों जो है वन एटी डिग्री का एंगल बना रहे हैं इसी तरह बाकी दो एंगल भी और जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो आपस में सेम आ जाएंगे इसी तरह बच्चों को एग्जाम्पल नंबर वन में हमें कहता है लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम एंड नेम ऑल द एडजेंट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंडलिकलींगल्स बच्चों इसमें इसमेंट एंगल कौन से हैं ये आपको नज़र आ रहा है यू एंड वाई तो बच्चों आपको ये नजर आ रहा है यू और वाई दोनों नेबरिंग है नेक्स्ट इधर है ये दोनों एडजेस्टेंट हैं फिर वाई और डब्ल्यू फिर डब्ल्यू और एक्स फिर एक्स और वाई फिर वाई और जी फिर जी और डब्ल्यू तो अभी हम इस चीज़ को देख लेते हैं ये आपको नज़र आ रहा है यू और वी v एंड w w एंड x x एंड y y एंड z एंड z एंड u तो ये आपने एडजस्ट एंगल देखे अब हम वर्टिकल या अपोजिट एंगल भी देख लेते हैं u एंड x ये आपको नजर आ रहा है बच्चों u जो है वो किसका वर्टिकल या अपोज़िट एंगल है ये दोनों u और x आपस में है इस तरह w और z हैं ये आपको नज़र आ रहा है w और z हैं तो है? और तीसरा कौन है v और y हैं हमारे पास बच्चों तो हमें वो भी नज़र आ रहे हैं तो ये सारे वर्टिकल या अपोज़िट एंगल हैं हमारे पास इसी तरह ऑल दिस पेयर ऑफ आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एग्जाम्पल हमें टू में कह रहा है राइट द मेजरमेंट ऑफ़ द मिसिंग एंगल्स तो बच्चों मेजरमेंट हमें चाहिए तो ये आपको नजर आ रहा है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर है राइट एंगल हमारे पास बना रही है तो बच्चों यहाँ पे हमने जब दो एंगल्स को ऐड करना है तो डेफिनेटली उनका साम वन नाइन्टी डिग्री आएगा तो बच्चो अब चूँकि दूसरा एंगल हमारे पास मिसिंग है टोटल ये हमारे पास एक कंप्लीमेंट्री है तो नाइनटी में से थर्टी फाइव को माइनस करेंगे इसी तरह एक ये हमारे पास क्वेश्चन है ये है और ये फोर्थ पार्ट है तो हम इन्हीं को इनको आगे जाकर देखते हैं किस तरह साल हम लोग कर सकते हैं तो बच्चों वी हैव मेजरमेंट एंगल ए सी थर्टी फाइव डिग्री और ए सी बी ओ सी दोनों हमारे पास कैसे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं सो ए सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू तो नाइन्टी डिग्री होगा बच्चों ए सी की वैल्यू पुट करें थर्टी फाइव दूसरी साइड पर जाके माइनस होगी तो फिफ्टी फाइव डिग्री आंसर आ जाएगा इसी तरह सेकेंड पार्ट में देखें हमारे पास वो कहता है वी हैव टू ए ओ बी इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव डिग्री एंड बी ओ सज़ इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री सिंस ए ओ बी एंड सी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट सो सी ओ डी इज इक्वल टू ए तो बच्चो सी ओ डी इज ईक्ल टू वन थर्टी फाइव डिग्री चूँकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये हमारे पास सेम होते हैं डिस्टेंस में तो बच्चो जितना हमारे पास ये एंगल है उतना ही ये है और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो बच्चो जिस तरह हमारे पास ये ए बी वन थर्टी फाइव है इसी तरह सी और डी भी वन थर्टी फाइव है और ए और डी अगर बी ओ सी फोर्टी फाइव है तो ए और डी भी फोर्टी फाइव है तो ये चीज़ भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई और सिमिलरली बी ओ सी एंड ए ओ डी आर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो ये भी आपस में सेम हो गए इसी तरह बच्चों हम करेंगे यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें हमें कह रहा है वी हैव बी ओ सी इज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी एट डिग्री एंड ए ओ सी एंड सी ओ डी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों स्ट्रेट लाइन हमें नजर आ रही है सप्लीमेंट्री है दोनों का सम किसके इक्वल होगा वन एटी डिग्री के ए ओ सी प्लस बी ओ सी सी इक्वल टू वन एटी डिग्री बी ओ सी वैल्यूपूड करें वन ट्वेंटी एट दूसरी साइड पर जाके माइनस होगी यहाँ पर ऐड हो रही तो फिफ्टी टू आंसर आ गया तो बच्चों मिसिंग एंगल भी फिफ्टी टू ही है इसी तरह यहाँ पर फोर पार्ट में देखें बच्चों हमारे पास क्या चीज़ हमें गिवन है फोर्टी फाइव का एंगल है और सेवनटी फाइव का एंगल है और ये ना सप्लीमेंट्री है ना हमारे पास कंप्लीमेंट्री है एडजैसेंट एंगल है वी हैव ए बी सेवनटी फाइव एंड ई ओ सी फोटी फाइव सिंस ए सी एंड सी ओ डी और एडजैसेंट एंगल सो ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू एनि बच्चो यहाँ पर हमें कह रहा है कि ये जो बड़ा टोटल एंगल है ना ए बी ये किसके इक्वल है ए सी प्लस सी ओ बी यानी टू एंगल्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास ए बी बंद रहा है तो फोर्टी फाइव पुट करें बी ओ सी मिसिंग है और सेवेंटी फाइव उधर जाके माइनस होगा तो थर्टी डिग्री आंसर आ जाएगा इसी तरह बच्चों एक्जाम्पल थ्री में हमें कह रहा है फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ ट्राइ तो बच्चों जिस ट्राइ के टू एंगल्स गिवन हो थर्ड फाइंड आउट करना बड़ा आसान है एक बात याद रखें आपके एम सी क्यूज़ में भी है वो होगी या शायद ब्लैंक में है कि जो इंटरनल सम होता है थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल वो किसके इक्वल होता है तो किसी भी ट्राई एंगल के इंटरनल थ्री एंगल को ऐड करेंगे तो उनका सम वन एटी डिग्री होगा तो जो दो गिवन होते हैं उनको ऐड करके वन एटी में से माइनस करें तो थर्ड वाला आ जाता है तो बच्चों यहाँ पे देखें फर्स्ट में हमें कह रहा है मेजरमेंट एंगल बी फिफ़्टी टू है सी फोर्टी एट है और ये हमने फाइंड करना है चूँकि वी नो दैट एंगल ए बी इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री इसके तीनों इंटरनल एंगल्स का सम वन एटी डिग्री के इक्वल होता है जो दोनों गिवन है बी और सी फिफ्टी टू और फोर्टी एट को ऐड करें हंड्रेड आएगा दूसरी साइड पर जाके माइनस होगा तो एंगल ए यानी एटी डिग्री आ जाएगा इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखें एंगल ओ नाइन्टी डिग्री है एंगल ए फोटी डिग्री है बी मिसिंग है वी नो दैट ऑल थ्री एंगल्स ए ओ बी इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री ओ की वैल्यू पुट करें नाइन्टी डिग्री ए की फोर्टी करें दोनों को ऐड किया तो वन थर्टी आया तो बच्चों बी मिसिंग है तो उसकी जगह पर हम बी ही लिख देंगे वन थर्टी दूसरी साइड में जाकर माइनस होगा तो फिफ्टी आंसर आएगा और यही इसका आंसर है इसी तरह बच्चों यहाँ वो हमें कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल डी वन टेन है और ई e जो है थर्टी डिग्री है दोनों को ऐड किया वन फोर्टी आया दूसरी साइड पर ले जाकर माइनस करेंगे तो एंगल एफ भी आ जाएगा जो कि फोर्टी डिग्री है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हैं ये आपको फिगर से भी नज़र आ रहा है इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखें हमने अब देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर फिगर्स टेन पॉइंट टू से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं तो फिगर्स कॉन्ग्रेंट कब होती हैं टू जमेटिकल फिगर्स आर सेड बी कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड साइज लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स तो बच्चों इसमें आपको नज़र आ रहा है ए डी साइड पी एस की इक्वल है ए बी पी क्यू की इक्वल है बी सी क्यू आर के और सी डी आर एस किसी तरह एंगल भी सारे देख लें एंगल ए एंगल पी के एंगल बी एंगल क्यू के सी आर के और डी एस की इक्वल है तो ये दोनों कोई ऐसी दो फिगर जिनकी शेप भी सेम हो जिनका साइज़ भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रैंट फिगर्स होती हैं इसी तरह बच्चों सिमिलर फिगर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं द फिगर विद द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज़ आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स तो बच्चों सिमिलर फिगर के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए कि शेप सेम हो साइज़ डिफरेंट हो सकता है नॉट नेसेसरली द सेम साइज़ यानी बच्चों साइज़ उसका सेम हो भी सकता है लेकिन अगर नहीं भी होगा ना तो शेप सेम होगी तो वो सिमिलर होंगी और कॉन्ग्रैंट के लिए दो कंडीशन मस्ट फुलफ़िल होनी चाहिए साइज़ भी सेम हो शेप भी सेम हो तो बच्चों इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं और फिगर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस बच्चों ये सिमिलरिटी का सिंबल है हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड ऑल स्केयर आर आल्सो सिमिलर तो बच्चो यहाँ पर देखें तीनों सर्कल एक ही शेप है ना हमारे पास साइज डिफरेंट है तो कोई मसला नहीं कॉन्ग्रेंट तो नहीं लेकिन ये सिमिलर ज़रूर है इस तरह ये तीनों स्केयर भी सिमिलर है तो बच्चों आगे हम देखते हैं ये हमारे पास कुछ फिगर हैं इसकी एग्जाम्पल में कहता है डिस्क्राइब वेदर द फिगर्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रेंट आर सिमिलर तो बच्चों ये जो फर्स्ट वाली है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये कांग्रेंट है दोनों का साइज और शेप भी सेम है सेकंड पे देखें कॉन्ग्रेंट है साइज़ और शेप भी सेप सेम है यहाँ पे देखें ये सिमिलर है क्योंकि शेप डिफरेंट है सॉरी शेप सेम है साइज़ डिफरेंट है इसलिए ये सिमिलर है ये भी देखें सेम से डिफरेंट साइज़ सिमिलर ये देखें सेम शेप सेम साइज़ कॉन्ग्रेंट और ये भी सेम शेप डिफरेंट साइज़ सिमिलर एग्जाम्पल टू में कहता है हाउ आर दे फॉलोइंग शेप्स रिलेटेड ये कैसे एक दूसरे रिलेट करती हैं सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट क्योंकि इनका साइज़ डिफरेंट है एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है ये भी देखें सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट सेम शेप बट डिफरेंट साइज़ ये देखें कॉन्ग्रेंट है क्योंकि सेम शेप सेम साइज़ और ये देखें हमारे पास सेम ना इधर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रेंट ना ही शेप सेम है ना ही साइज़ सेम है तो ये हमने इनका रिलेशन देख लिया इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट और ये कांग्रेन हमारे पास सेम शेप सेम साइज़ और ये हमारे पास ना सिमिलर नॉट कॉन्ग्रेंट क्योंकि एक है और एक सर्कल है इसी तरह बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इसका डिफाइन सिमिलर जोमेटिकल फिगर्स विद एग्जांपल तो हमने डेफिनेशन जो पढ़ी हुई है आप लिखेंगे फिर सेकंड है आर सिमिलर फ़िगर्स कॉन्ग्रेंट गिव एग्जांपल तो बच्चों ये इसका आंसर आपके नोट्स में मौजूद है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं वो कांग्रेंट नहीं हो सकती क्योंकि सिमिलर फिगर होती हैं वो कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं क्योंकि उनकी शेप सेम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती बिकॉज सिमिलर शेपर है सेम साइज़ एंड सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज़ यानी जरूरी नहीं कि साइज़ सेम हो लेकिन अगर उनका साइज़ सेम हो जाए तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं वो तो कहते हैं आर कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर प्रूव विद एक्जाम्पल तो बच्चों सिमिलर फिगर जो होती हैं कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर कभी भी नहीं हो सकती Uh, क्योंकि हमारे पास ये होता है कि कॉन्ग्रेंट के लिए कॉन्ग्रेंट फिगर हमारे पास सिमिलर हो जाती हैं इसलिए क्योंकि कांग्रेन सिमिलर की एक जो स्पेशलिटी है उसको फुलफिल कर देती हैं क्योंकि कांग्रेट के अंदर सेम शेप वाली इस जो भी स्पेशलिटी वो मौजूद होती है और सिमिलर के लिए हमें सिर्फ वही चाहिए जा, होती है तो कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो जाती है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं होती क्योंकि सिमिलर किसी एक ही कंडीशन को फुलफ़िल करती हैं अब यहाँ पे देखें फर्स्ट जो है ये सिमिलर है सेकंड भी सिमिलर है थर्ड कॉन्ग्रेंट है फोर्थ भी कॉन्ग्रेंट है और फिफ्थ भी सिमिलर है तो इसी तरह बच्चों आपने इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अल्लाह हाफिज़